हर जीव जंतु को अपनी सुरक्षा के साधन दिए हैं। किसी को जहरीला डंक, किसी को तेज दांत, पंजे, सींग, यहाँ तक कि नाजुक फूल को भी कांटों का हथियार दिया। मगर हम इंसानों को मिला सबसे खतरनाक हथियार, दिमाग। हमने प्रकृति के जीव जंतुओं से सीखा और अपनी सुरक्षा के हथियार बनाए और सीखी युद्ध कला यानी मार्शल आर्ट। भारत में भी ऐसी कई युद्ध कलाओं का जन्म हुआ। मैं मानसी राज भारत की इन्हीं युद्ध कलाओं के बारे में जानने केरल आई हूँ। भारत के सबसे आकर्षक राज्यों में से एक केरला है। इसकी प्राकृतिक सुंदरता को देखकर कोई भी रोमांचित हो उठता है। इसमें कोई शक नहीं है कि केरला इज गॉड जोन कंट्री। यहाँ के अनेक सांस्कृतिक धरोहरों में से एक है यहाँ की युद्ध कला कलरीपायट। कलरीपायट ऋषि परशुराम और ऋषि अगस्त्य की देन है। प्रचलित कथा के अनुसार ऋषि परशुराम ने समुद्र से एक धरती के टुकड़े को मांगा, उसे ही आज केरला कहते हैं। केरला प्रदेश के निर्माण के बाद उन्होंने 108 मंदिर और 42 कलरियों की स्थापना की। कलरी का अर्थ होता है अखाड़ा और पयट्टू का युद्ध कला। इस युद्ध कला का अभ्यास एक विशेष प्रकार से तैयार किए गए स्थान कलरी पर किया जाता है। इन कलरी शालाओं में उन्होंने ब्राह्मणों को इस युद्ध कला में प्रशिक्षित किया। परशुराम के पिता का वध एक क्षत्रिय ने किया था, इसीलिए परशुराम ने सारे क्षत्रियों के वंश को इस धरती से मिटा देने का एक प्रण लिया था। क्षत्रियों से दुश्मनी के कारण परशुराम ने कलरीपायट सिर्फ ब्राह्मणों को सिखाया। जिन ब्राह्मणों को ये ट्रेनिंग दी गई उनमें से एक नायर ब्राह्मण थे। नायर प्राचीन काल के योद्धा थे। उनका कर्तव्य केवल युद्ध करना था राज्य के शत्रुओं से। नायर योद्धाओं ने कई राजाओं का बड़ी वीरता के साथ संरक्षण किया। हर नायर परिवार की जिम्मेदारी हुआ करती थी कि वे राज्य की सेवाओं के लिए कुछ सैनिक तैयार करें। कलरीपायट्टू तो पहले से ही था, जिसे शासकों ने अपने लाभ के लिए बढ़ावा दिया। केरल के किसी भी राजा के पास कोई नियमित सेना नहीं थी। जब भी युद्ध की स्थिति होती थी तो प्रदेश के हर कलरीशाला से योद्धाओं की मांग की जाती थी। इस तरह सेना तैयार की जाती थी। देश के इतिहास में नायर योद्धाओं का एक अनोखा स्थान है और उन्हें ये कलरीपायट की वजह से ही मिला है। ऐसे ही कलरीपायट योद्धाओं का एक और समुदाय था जो चेवर या थिया कहलाया गया। माना जाता है थिया श्रीलंका से भारत आए, जिसे इरम भी कहा जाता है। इसीलिए थिया लोग इरवा भी कहलाए जाते हैं। उनके कारनामे विस्तार से लिखित हैं। थिया लोग कृषि से ही मुख्य रूप से जुड़े थे। नारियल के बगान, चावल की खेती, सब खेती की जमीनें उनकी ही मिल्कियत हुआ करती थी। थिया लोगों ने युद्धों में अपना योगदान दिया, मगर नायर शासक वर्ग के लोग थे। ऐतिहासिक रूप से कलरीपायट की उत्पत्ति संगम साहित्य के अनुसार 3rd century BC से 2nd century AD तक हुई थी। उस समय के योद्धा तलवार, ढाल, भाला, तीर, कमान इत्यादि अस्त्रों का इस्तेमाल करते थे। संगम काल के इन योद्धाओं को नियमित रूप से युद्ध कलाओं में प्रशिक्षण दिया जाता था। संगम साहित्य केवल साहित्य ही नहीं है, ये तमिल इतिहास का हिस्सा है। देवी पुराण में विस्तार से उस काल की युद्ध कलाओं के बारे में वर्णन दिया गया है। केरल में प्रचलित कलरीपायट्टू का वैज्ञानिक आधार है। ये मन, शरीर और आत्मा का समावेश है। जब कलरीपायट्टू करते हैं तब वास्तव में हम अपने मन, शरीर और आत्मा को नियंत्रित करते हैं।
तब ये तीनों एक होकर व्यवहार करने लगते हैं, जिससे शरीर को स्वास्थ्य लाभ होता है, आयु वृद्धि होती है। कलरीपयट का पहला लिखित प्रमाण अथर्ववेद और ऋग्वेद में पाया जाता है। इसमें मर्म कला के बारे में बताया गया है। मर्म कला में मानव शरीर के संवेदनशील बिंदुओं की जानकारी दी जाती है। आयुर्वेद के मुताबिक 107 मर्म बिंदु हैं, मगर कलरीपयटू के अनुसार केवल 47 या 48 ही मर्म बिंदु होते हैं। मर्म बिंदु पर घातक प्रहार का परिणाम केवल मृत्यु ही होती है। कलरीपयटू के दो प्रकार हैं, नॉर्दर्न स्टाइल और सदर्न स्टाइल। नॉर्दर्न स्टाइल में मेपायट को प्रमुखता दी जाती है। मेपायट यानी अंगतारी, पोलतारी और बिना हथियार युद्ध। इसके बाद गैर धातु के हथियारों का प्रयोग सिखाया जाता है, जैसे लकड़ी के हथियार, इसे किट्टुकारी कहते हैं। इसके बाद चिरुवड़ी और मोचानवड़ी आते हैं, और तीसरा है उट्टा, यानी मुड़ा हुआ लकड़ी का हथियार। ये तीनों गोलतारी के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद अंगतारी। अंगतारी मतलब खंजर, चाकू, तलवार और ढाल, भाला, उर्मी, गदा आदि के साथ युद्ध, और फिर अंत में बिना हथियार युद्ध सिखाया जाता है। सदर्न स्टाइल में सबसे पहले बिना हथियार युद्ध से शुरुआत की जाती है, जैसे कोट्टा चिवड़। उसके बाद दड़ू दड़ी, मतलब 12 व्यायाम श्रेणियां, और आजकल तो उसमें भी तलवार, ढाल और भाले का प्रयोग भी होने लगा है। सदर्न कलरी फाइट को ऋषि अगस्त्य की देन माना जाता है। इसे आसन कला के नाम से भी जाना जाता है। इस कलरी फाइट में फुटवर्क, मूवमेंट्स और शरीर के 108 मर्म बिंदुओं पर प्रहार कर शत्रु को परास्त करने की विद्या सिखाई जाती है। साउदर्न कलरीपयटू का एक फायदा ये भी है कि इसका अभ्यास कोई भी कर सकता है, क्योंकि इसमें हथियारों का इस्तेमाल नहीं होता। हथियार बाद में शामिल किए गए। अब कलरीपयट की अलग अलग शाखाओं में उतना फर्क नहीं रहा, तो सारी शाखाओं को एक ही रूप में देखा जाता है। कलरीपयट में प्रयोग की जाने वाली युद्ध शैलियां हाथी, घोड़ा, सांप जैसे जानवरों के वार के तरीकों पर आधारित है। जानवरों और पक्षियों की चाल ढाल के जो तरीके हैं, उन्हें पोजेस यानी मुद्रा कहते हैं। कलरीपयट में मुद्राओं को स्टेप बाय स्टेप यूज करना बहुत आवश्यक है। इन मुद्राओं से शरीर में लचक और मांसपेशियों में ताकत की वृद्धि होती है। गज वड़ी बल, गज हाथी को कहते हैं। इस मुद्रा में हमारी मुद्रा हाथी की तरह मजबूत होनी चाहिए। दूसरी है सिंह वड़ी बल। सिंह का अर्थ है शेर। इसमें योद्धा शेर की मुद्रा बनाता है। तीसरा है अश्व बड़ी बल, यानी घोड़े जैसी मुद्रा। घोड़ा कभी जमीन पर लेटता नहीं है, वो हमेशा खड़ा रहता है। मार्जर बड़ी बल, मतलब बिल्ली जैसी मुद्रा। ये मुद्रा बैठ कर की जाती है। जब युद्ध के बाद योद्धा थक जाता है तो वो उस मुद्रा से स्फूर्ति प्राप्त करता है। मयूर बड़ी बल, यानी मोर की मुद्रा। इसमें मोर के फैले पंखों की तरह ही हाथ और पैर फैलाए जाते हैं। फर्स्ट सेंचुरी एडी से 12th सेंचुरी एडी तक भारत आए यात्री और इतिहासकारों ने अपने अपने अनुभवों के अनुसार कलरीपयट के बारे में वर्णन किया है। जैसे 915 एडी में भारत आए अरब यात्री अबू जयास, और 12th सेंचुरी में मार्को पोलो
और पुर्तगाली लेखकों ने अपने अपने आलेखों में नायर योद्धाओं के बारे में वर्णन किया। यहाँ कालीकट के तट पर ऐसे कई स्थान हैं जो मार्को पोलो की भारत यात्रा से संबंधित हैं। ऐसे कई और यात्री थे, खासकर बौद्ध धर्म के मानने वाले वे लोग भारत की संस्कृति को दूर तक ले गए। कलरी शब्द का योगदान असल में बौद्ध धर्म के लोगों ने किया था। उन्ही लोगों ने खुद के बचाव के लिए यहाँ मौजूद युद्ध कलाओं का समावेश करके एक नई युद्ध कला ईजाद की और उसे नाम दिया कलरी। सिक्स सेंचुरी के चाइनीज स्कॉलर टैनलिन की पुस्तक के अनुसार बौद्ध सन्यासी बोधिधर्म अपने साथ कलरी पाइट को चाइना लेकर गए, जिसे आज शाओलिन कुंगफू के नाम से जाना जाता है। बोधिधर्मा मेरे अनुसार तमिल थे। वो यहाँ से कलरी पाइटू को अपने साथ चीन ले गए। उस समय के युवा चीनी साधुओं ने युद्ध कला कलरी पैटू में अपनी गहरी रुचि दिखाई और सैकड़ों वर्ष बाद कलरी पैटू युद्ध कला में उन्होंने बदलाव किए और इसका नाम बदला। इस तरह कुंगफू कराटे की शुरुआत हुई। सेंचुरी तक कलरी मार्शल आर्ट बहुत फली फूली और साथ ही फली फूली आयुर्वेद की चिकित्सा पद्धति जो कलरी पाइट का एक अभिन्न अंग है। कलरी पाइटू के प्रशिक्षण के दौरान दुर्घटनाएं हो जाती हैं, तलवार से जख्म लगना, मांसपेशियों का फट जाना आदि। इन सब का इलाज कलरी में ही होता है और चिकित्सा का प्रशिक्षण दिया जाता है। हम बहुत सुबह उठकर प्रशिक्षण की शुरुआत करते हैं, शरीर पर तेल लगाते हैं, जिसके कारण हमारे तन और आत्मा में आध्यात्मिक तालमेल होता है, जिससे शरीर लचीला होता है और प्रशिक्षण के दौरान स्फूर्ति बनी रहती है। हजारों साल पूर्व चेरा, चोला और पांड्या राजाओं के बीच लगभग 100 साल तक चले युद्ध के माहौल ने कलरी पाइट को अपने स्वर्ण युग तक पहुंचा दिया था। इस युद्ध कला की योद्धाओं के कारण ही इन साम्राज्यों ने समय समय पर अपने राज्य का विस्तार किया। कलरी पाइट की ये खास बात है कि इसे लड़के और लड़कियां दोनों ही सीखते हैं, पर यह कोई नई बात नहीं है क्योंकि इतिहास में भी विमेन कलरी वॉरियर्स के कई एग्जांपल्स मिलते हैं। उन्नी अर्चा एक ऐसी महानायिका हैं जिनका वर्णन आवश्यक है। उनकी तुलना झांसी की रानी के युद्ध से की जा सकती है। उन्नी अर्चा कलरी पाइट की माहिर योद्धा थी। उनके दो भाई थे जिनमें अरोमल चेवर प्रसिद्ध योद्धा थे। एक दिन अन्य समुदाय के लोगों ने उनके गाँव पर हमला कर दिया और कुछ औरतों को उठा के ले गए। तब उन्नी अर्चा ने अकेले उस समुदाय पर हमला कर दिया। उन्होंने उर्मी के साथ उनका डटकर सामना किया और सब औरतों को छुड़ा लिया। वो युद्ध केरला की एक महान गाथा के रूप में आज भी जाना जाता है। 1804 में कलरी पाइट का अंत नजदीक आने लगा। ट्रावनकोर के राजा बलराम के प्रधानमंत्री वेलु तंबी दलवा ने नायर योद्धाओं के वेतन में कटौती कर दी और मजबूर होकर नायर योद्धा ब्रिटिश सेना में भर्ती हो गए। वेलु थंबी त्रिवेंद्रम की तरफ के निवासी थे। वे त्रावणकोर राजा के दीवान थे। ब्रिटिश रेसिडेंट के साथ उनका मतभेद हो गया था। हालांकि त्रिवेंद्रम पर त्रावणकोर राजा का शासन था, पर हुकूमत ब्रिटिश रेसिडेंट की ही चलती थी। वेलु थंबी ने इसका विरोध किया था, इसलिए युद्ध हुआ और वो ब्रिटिश एजेंट के हाथों मारे गए। 18th सेंचुरी में भी ब्रिटिशर्स के खिलाफ कलरी पाइट को इस्तेमाल किया गया था। ब्रिटिश आक्रमणकारियों का बहादुरी से मुकाबला किया राजा पराशी ने, जो खुद कलरी पाइट के माहिर थे।
ये केरला के अकेले ऐसे राजा थे जिन्होंने कुर्चियर जाति के लोगों के साथ मिलकर एक सेना बनाई और ब्रिटिशर्स का डटकर सामना किया। किंग पजासी राजा, केरला वर्मा। पजासी राजा, केरला वर्मा पजासी राजा, वो कन्नूर का राजा था। उस समय मलाबार का शासक टीपू सुल्तान था। मलाबार मैसूर राज के अधीन था। टीपू सुल्तान की ब्रिटिश के हाथों श्रीरंगपट्टनम में पराजय हो गई और मलाबार का शासन अंग्रेजों के हाथ में आ गया। ये 1793 ईस्वी की बात है। 1799 में टीपू की हार हुई थी, फिर मैसूर भी अंग्रेजों के अधीन हो गया। अंग्रेजों ने भूमि कर में बढ़ोतरी कर दी, जिससे मलाबार के किसानों में रोष फैल गया। किसानों ने पजासी राजा के नेतृत्व में अंग्रेजों से युद्ध किया। ये युद्ध 1795 से 1805 तक चला। 10 साल के लंबे समय तक उन्होंने अंग्रेजों का सामना किया। अंग्रेजों को भारी जान माल का नुकसान हुआ, मगर वो पजासी राजा को हरा नहीं सके। उन्हें कन्नूर से निष्कासित कर दिया गया था और वो विनाड़ के घने जंगल में 10 साल तक रहे और कम संसाधनों के बावजूद अंग्रेजों से लड़ते रहे और पकड़े नहीं गए। उन्होंने पकड़े जाने से पहले ही आत्महत्या कर ली। कहते हैं नसीब में जो है वो होकर ही रहता है। कलरी पाइट के साथ भी यही हुआ। ब्रिटिश रूलर्स ने इस पर रोक लगा दी थी। उन्होंने सबसे पहले हथियारबंदी का कानून लागू किया, जिसके तहत कोई भी हथियार लेकर नहीं चल सकता था। उन्होंने कोशिश की मगर सफल नहीं हो पाए, क्योंकि खंजर वगैरह जैसे छोटे हथियार छुपाए जा सकते हैं। कितने ही ब्रिटिश अधिकारियों ने पूरी तरह कलरीपयट्टू को नष्ट करने की कोशिश की, पर सफल नहीं हो सके। कलरीपयट्टू पर पूरी तरह रोक लगी, मगर युद्ध कला के जानकार चोरी छिपे युवा पीढ़ी को प्रशिक्षण देते। सौभाग्यवश ब्रिटिश के जाने के बाद कलरीपयट्टू दोबारा शुरू हो गई। इस बार इसे एक युद्ध कला की बजाय योग प्रशिक्षण के रूप में जाना जाने लगा। कलरीपयट का महत्व सिर्फ भारत ने ही नहीं समझा, पर इसका विकास देश के बाहर भी हुआ। कलरीपयट्टू अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच गई है और इसे कोई नहीं बदल सकता। कलरीपयट्टू केरल की सबसे प्रसिद्ध कला है। पहले ये स्थान कथकली नृत्य का था, अब कलरीपयट्टू का है। पिछले कुछ सालों में कलरीपयट्टू की प्रसिद्धि इतनी बड़ी कि उसका असर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों में देखा गया है। दक्षिण भारत और हिंदी की कई फिल्मों में कलरीपयट्टू का इस्तेमाल हुआ है। केरल में आज करीब 800 मान्यता प्राप्त कलरी हैं, जहां बहुत से छात्र कलरीपयट्टू का प्रशिक्षण लेते हैं। केरल सरकार ने कलरीपयट्टू एसोसिएशन को भी मान्यता प्रदान की, जिन्हें केरला कलरी एसोसिएशन और केरला स्पोर्ट्स काउंसिल की सदस्यता भी प्राप्त है। कलरीपयट्टू एसोसिएशन जिला और राज्य स्तर पर कलरीपयट्टू की प्रतियोगिताएं आयोजित करती है। अब कलरीपयट्टू विद्यालयों के नियमित पाठ्यक्रम का हिस्सा है और स्कूलों में भी इसे सिखाया जाता है। देश भर के 20 राज्यों में कलरीपयट्टू एसोसिएशन बन चुके हैं। भले ही कलरीपयट्टू के योद्धा आज के योद्धा पहले जैसे नहीं रहे, लेकिन कलरीपयट्टू आज भी एक अनोखी युद्ध कला है। Share, subscribe, and click on the bell icon to never miss an update from Epic.